जिनका बिहार में आश्रम चल रहा है और खुद आर्मी लीडर है बराबर और काफी साल से सेवा दे रहे हैं, तो उनके आश्रम में 180 जन है, राइट? 210 जन है यार, 210 वो भी ऐसे लोग हैं जिनको हम शायद सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसे जो वृद्ध लोग हैं जिनका पेट टूट गया है, पेट कट गया है, जिनको बहुत से कीड़े पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को जो रास्ते में हम लोग देखते हैं कि रास्ते में कोई ना कोई पड़े रहते हैं, उन लोगों को लेके आके उनके आश्रम में रखते हैं और उन लोगों को, पीड़ित लोगों को, उनके आप नहीं मानोगे इतने अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं और काफी आज इतने अच्छे लोग वहाँ पे है कि जो लोग चल भी नहीं पाते थे आज वो चलने लगे, दौड़ने लगे और काफी अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो उनका पूरा परिवार है। पहले उनके चलो उनकी पूरी टीम है, सिद्धांत सर, मानसी है और अंकल की वाइफ है एंड सुगम भाई उनके लड़के हैं, तो सभी को तो क्या बात है और आंटी का जन्मदिन भी है, तो पहले हम उनका शुरू करते आगे प्रोग्राम किया भाई हो गया सर। हमारे बच्चों ने प्रोग्राम की तैयारी की है, पहले हम प्रोग्राम कर लेते हैं उसके बाद आगे का प्रोग्राम करते हैं। सर थोड़ा प्रोग्राम की तैयारी कर लेते हैं बच्चे लोग, बराबर जो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रन जो गम के मेले हैं, जो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। आईने के सौ टुकड़े हमने करके देखे हैं एक में भी तन्हा थे
सौ में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा थे, सौ में भी अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो, जब शबाब आया है आंख क्यों चुराते हो। बचपने में हम और तुम, बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं, बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। गेसुओं के साए में हमने शब गुजारी है, ओ गेसुओं के साए में हमने शब गुजारी है, गेसुओं के साए में हमने शब गुजारी है। आपसे जुदा होके, आपसे जुदा होके आज तक अकेले हैं, आपसे जुदा होके आज तक अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, 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 और हम अकेले हैं।
Oh,
और स्पेशल जो मिस्टर रानी मैं आपको थैंक्स बोलूँगा, अभी का कॉर्डिनेट कर रखे
हमारे भारत के जितना हमारे से हेल्प होते हैं हम वो कर देते हैं, तो पैसे के लिए नहीं हो रहा है वो भी आपके सबसे रिलेटेड है, बच्चों को जो कुछ करने का मौका दे रहे हैं, मैं सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। सगळे मराठा फाउंडेशन मधून आम्ही काही फॅमिली आलेलो आहोत आणि काही आपले इकडे गोड बाण बसलेले आहेत आणि त्यांच्या परिवार त्यांची फॅमिलीची उपस्थिती आहे। आज मी पण जवळपास 6 वर्ष झाले रोडवरील बेघर बेवार भिक्षेकरी निराधार अनाथ मनोरुग्ण अंध अपंग या लोकांकरिता कार्य करीत आहोत। पण आज मी इथे आलो तर भाऊक झालो, माझ्या आयुष्यामध्ये इथे येणं अस्मरणीय असा क्षण आहे। आम्ही प्रॉपर चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये राहतो, लोकांचे सर आमचे मित्र आहेत, गेल्या 2 महिन्यापासून जे आश्रम मध्ये जे डिप्रेशन मध्ये गेलेले लोक आहेत त्या लोकांना डिप्रेशन मधून बाहेर काढण्याचं मी कार्य करीत आहे। त्या लोकांना मी डिप्रेशन मधून बाहेर काढण्याचं कार्य करीत आहे। जवळपास आमच्या आश्रमला 210 लोक आहेत, कुठल्याही प्रकारची गव्हर्नमेंटची ग्रँट नाही, कुठल्याही प्रकारचं काही नाही, तरी आमचे जे लोखंडे सर आहेत त्यांच्या आई 108 वर्षांच्या होत्या, त्यांचं स्वप्न होत कि आपण रोडवरचे लोक राहतात अनाथ लोक राहतात त्या लोकांकरिता काहीतरी करावं म्हणून आमच्या आईच्या आशीर्वादाने आज हे सगळं कार्य चालू आहे। आणि मी एक गर्वाची गोष्ट सांगेन कि आमच्या सरांनी 20 वर्ष देशसेवा केली आहे आणि 16 वर्षापासून अनाथ लोकांची आमचे लोकांचे सर सेवा करीत आहे। आमचे लोकांचे सर सदैव तुमच्या पाठीशी आहे, तुम्हाला कधी अडी अडचणी तरी तुम्ही सरांना एक फोन केला नेहमी सर तुमच्या पाठीमागे कायम राहतील। इतकी आता काय बोलावं मला कळत नाही की मी इथे आलो तर खरंच खूप भाऊक झालो आणि 2 शब्द संपवितो। थँक्यू। मैं मरणा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार से सेवक। हेलो, आज हमारे बीच में दोपहर का अन्नदान जो कर रहे हैं, आइए मैडम जी एक कुर्सी लगा दीजिए। आज के हमारे अतिथि जिनके द्वारा दोपहर का अन्नदान शुरू हो चुके हैं, आज इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, वे हैं श्रीमती पुष्पाबेन प्रेमजीत देड़िया और ये इनका 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। जोरदार तालियां। आज अपने जीवन की प्लैटिनम जुबली 75 साल जिसे कहते हैं, 75 साल में वो आज शुभारंभ कर रही है। मैं मरणा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार साथी आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मेजर श्री कृष्ण लोखंडे जी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष श्री बापूराव लोखंडे जी साहब की ओर से आपको 75वें जन्मदिन पर हमारी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप जी हजारों साल अर्थात के दिन 50,000 ईश्वर आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली बहाल करे। आप ही नहीं, आपके आपसे जुड़े हुए जितने आपके रिश्तेदार हैं, मित्रमंडली हैं, नातों के लोग हैं, ये जानकारी दे रहे हैं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सुरक्षित रहें, ये हमारे ओर से ईश्वर के चरणों में मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जन्मदिन कहीं और भी मना सकते थे, आपके जैसे पूरे परिवार के साथ में आप आज पधार रहे हैं, लेकिन आपने इस आश्रम का चयन किया और ऐसे लोगों के बीच में आप आपके द्वारा आपके परिवार के द्वारा आपकी खुशी में जैसे हमारे आश्रम के 205
सदस्य को आपने शामिल किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी डेरिया परिवार से जो ऐसे शुभ प्रसंग हो गया, जो भी प्रसंग होगा उसमें हमें शामिल किया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फाउंडेशन में ऐसे कई प्रसंग होते रहते हैं, यहाँ पे शादी की सालगिरह हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि जिसे बरसी कहा जाता है, ये भी यहाँ पे लोग आकर मनाते हैं, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को, उनके जो लोग नहीं हैं उनकी याद में भोजन कराना, नाश्ता कराना या उन्हें कोई भेंट वस्तु अपनी ओर से देना, ऐसे कार्यक्रमों का यहाँ पे आयोजन होता रहा है, आप भी कर सकेंगे। और ये हमारे बीच में अतिथियों को इस आश्रम के बारे में जानकारी देना, अवगत कराना उन्हें और यहाँ तक लाने का एक बहुत बड़ा जो एक मानव सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है, ये करते हैं हमारे मुकेश गाला साहब और सतीश गाला साहब। ये आश्रम के हमारे सदस्य थे, इन्हीं के चलते और इन्हीं के सहयोग के चलते पिछले 5-6 वर्षों से, और उसमें जिक्र करना चाहूँगा प्रफुल्ल गाला साहब का, प्रफुल्ल गाला साहब निरंतर वहाँ बैठे बैठे यहाँ पे आश्रम की क्या क्या जरूरत है इनका इसकी जानकारी लेते रहते हैं। उसी तरह हमारे गाला साहब दोनों, मुकेश गाला साहब और सतीश गाला साहब, यहाँ तक वो सुविधाएँ पहुँचाते हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मानव सेवा का। ये भी मराठा राय फाउंडेशन 16 साल हो गए इस आश्रम की स्थापना हुए, और इन 16 वर्षों में अभी मुश्किलें परेशानी तकलीफ आने के बावजूद भी आज मराठा राय फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार किसी चीज से, किसी खुशी से वंचित नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। 16 वर्षों का सफर ये यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी चीज़ों का योगदान रहा, जिसका मैं बयान तो करूँगा ही, लेकिन आप जिस तरह से पुष्पागन आप देख रही हैं, ये जितने भी पीछे बैठे हैं 205 यहाँ के शरणार्थी या सदस्य कहे जाएंगे, लाभार्थी कहे जाएंगे, इसमें 95% पुलिस द्वारा दिए गए रास्तों पर भटकने वाले गतिमन मतिमन रास्ता जिनका खत्म होता नहीं और मंदिर जिन्हें नजर आती है। मराठा लाइफ आश्रम ने इतना ही किया है कि इसके भटकाव को एक ठहराव दिया, एक मुकम्मल ऐसा ठहराव दिया, जिसके चलते आज इनकी जो अपनी परेशानी थी बाहर इस आश्रम के बाहर, वो यहाँ अंदर आने के बाद में खत्म हो चुकी है। इंसान की जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। अभी अभी 20 पेशेंट आप देख रहे हैं, अभी बताने हॉस्पिटल से आ रहे हैं, इनको अभी बुखार खांसी और सर्दी की एक बीमारी चल पड़ी है, जिसके चलते तो स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। मनोरंजन के लिए हमारे टीवी कक्ष है, साथ ही में किताबें हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए छोटा सा लाइब्रेरी है मेरे पास में। मराठा राय फाउंडेशन की स्थापना ही मूल संकल्पना जिसे कहते हैं कि प्रेरणा हमारी माता जी रही। पिछले साल 2022 में 7 अप्रैल को उनका देहांत हो गया, देहांत से पहले उनकी उम्र 108 साल थी। जिस उम्र में लोगों से सेवाएं ली जाती है या ऐसे व्यक्तियों को सेवाएं दी जाती है, उस उम्र में उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक इस आश्रम में अपनी ओर से हमारे जो हम बच्चे हैं हमें सेवाएं दी है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 2000 आई के लिए और जब भी हम यहाँ पे मंचन होता है, कार्यक्रम होता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें निहारते रहते हैं कि अब मेरे बच्चे खुश हैं और आने वाले दिनों में भी इनकी खुशी में इजाफा इसलिए होने वाला है कि आई की इच्छा थी कि हमारे बच्चे जो बारिश धूप और सर्दियों में जो परेशानी यहाँ पे झेलते हैं, इससे निजात पाए और ये सपना सच सर में करके दिखाया अकेले के दम खा ऊपर। और आज आने वाले दिन में हमारे बगल की जगह में ही हमारे आश्रम भवन का निर्माण कार्य चालू है, जहाँ पे बहु मंदिर दो इमारतें एक वहाँ पे होगी एक यहाँ पे होगी, और आने वाले दिनों में इनकी खुशियों में इजाफा होगा। एक बेहतर से बहुत अच्छी और बेहतर जिंदगी की तरफ जो ये सफर है, इस सफर में मैं आए हुए अतिथियों से भी कहूँगा कि आप भी हमारे साथ में चले और वहाँ तक का रास्ता आप भी आसान करें आपके सहयोग के द्वारा। तो जो भी आप सहयोग करेंगे वो आपका स्वीकार होगा। मराठा राय फाउंडेशन के साथ में 3 चीज़ें कारगर रही है, एक तो माता पिता से आशीर्वाद प्रेरणा, दूसरा पूरा लोखंडे परिवार का उन्होंने उनको साथ मिला, उन्होंने जो भी किया उसका लोखंडे परिवार ने समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने जब भी जो भी किया वो सही किया और सही दिशा में प्रयास किया। तीसरी अहम बात है आप जैसे हमारे अतिथियों का सहयोग, जिसके चलते ये 12 ये 16 वर्षों का सफर
इतना आसान बनता है। मैं इसका भी जिक्र करना चाहूँगा, मराठा लाइव फाउंडेशन ने अगर पिछले 16 वर्षों के इतिहास को इतिहास के पन्ने पलट कर देखा जाए तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे हुई। ऐसे ही गुमशुदा लोगों में 580 लोग अपने घर पे जा चुके हैं जिनके बारे में कोई अता पता नहीं था। साथ ही यहाँ पे 37 कन्यादान सर और आई के हाथों मिलजुल कर हुए हैं। यहाँ पे मराठा लाइव फाउंडेशन डी एडिक्शन सेंटर के तहत लगभग 700 लोग नशा मुक्त होकर अपने घर लौटे हैं। अब जहाँ पे इतनी उपलब्धियाँ हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई कमी रह जाती। एक ऐसा खल या जैसे खलिश से कहते हैं कि एक रह जाता है कि ये हम नहीं कर पाए, तो वो बात है यहाँ पे 233 लोगों का ध्यान तो हो जाना जो उम्र दराज थे, 16 वर्षों से आश्रम से जुड़े थे लेकिन उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और जब अंतिम समय में बंद हो गई लेकिन इस गेट के दरवाजे को उनके लिए खोलने के लिए उनका रिश्तेदार हो गया। ये यहाँ पर खुली रह गई आपको समय मिले, क्योंकि आज के जमाने में इंसान के पास में खेलने के लिए बहुत कुछ है सिर्फ एक समय की कमी है। अगर आपके पास में समय हो तो कोई त्यौहार का आप आके यहाँ पे देख लीजिए। हर त्यौहार दिवाली और दशहरे से कम नहीं मनाया जाता, इतना जोर उमंग और खुशी के साथ यहाँ के लोग त्यौहार मनाते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके इलाके में कोई भटकता हुआ ऐसा व्यक्ति मिले जिसका कोई नहीं है तो कृपया आप यहाँ तक लाने की कृपा करें, या तो फिर हमारे सर को फ़ोन करें और हमारा सेवा दल उन्हें लेकर यहाँ तक ले आएगा। और ये यकीन दिलाता हूँ जो व्यक्ति आप लाएंगे उसके जीवन के अंतिम सांस तक मराठा लाइव फाउंडेशन परिवार उनका साथ देगा, ऐसा हमारे सर का वादा है। मैं अपने ताजा बस्ती है, ताजा बस्ती से हमारे अतिथियों की हौसला उठाई होती है। ऐसा होता है कि हमारे हम आए इसकी खुशी हुई है। तो मैं ज़्यादा वक्त एक बार सतीश गाला साहब बार बार इशारा कर रहे हैं, तो मैं आज के हमारे जिनका जन्मदिन है श्रीमती पुष्पा बहन सेन जी डेरिया जी को दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित करूँ। देखती थी तो मुझे बहुत दिनों से भावना थी कैसे लोग को मुझे भी मिलना है। तो पहले आने वाला था लेकिन पहले नहीं आ सकते, हम लोग टाइम नहीं मिला। तो आज मेरा बर्थडे है तो मैं बोला नहीं आज तो जाना ही है, इधर भी होटल वोटल किधर भी नहीं जाना है, आज तो मुझे इधर ही मिला। ऐसा सोचकर मैंने पूरा परिवार लेके इधर आ गई, और भी मेरा थोड़ा परिवार है लेकिन वो बिजनेस में थोड़ा रुका हुआ है तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी सब आए हैं मेरे साथ और आपको देख कर मुझे बहुत खुशी हुई। और इतना सारा इधर तुम चलाते हैं, तुम्हारा कारोबार चलता है और सब किसी का कोई नहीं है उसी का इधर आश्रम मिल गया है, तो ये आश्रम देख कर मुझे बहुत आनंद हुआ। और भी आगे और भी दूसरे बार भी हम लोग आएंगे और आपको मिलेंगे। बस और तो मैं क्या कर बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि और भी दूसरी बार आएंगे और आपसे मिलेंगे। बस आपको सबको मेरा खूब आशीर्वाद है, कोई मेरे से बड़ा भी होगा कोई छोटा भी होगा, लेकिन मुझे आज पंचू से मां साथ बैठ गया है और 70 वर्ष पूरा हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती पुष्पागन जी, आपने जिस तरह से कहा कि आज आप 75वें साल में आज शुभारंभ करने जा रही है, और यकीन मानिए हमारे ओर से आपको शुभकामनाएं रहेंगी, क्योंकि इनकी इनकी जुबान कुछ कहे ना कहे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गतिमंद मतिमंद लोग हैं, इनकी जुबान कुछ ना कहे, दिल की आवाज़ आपको सुनाई ना दे, लेकिन 75वें साल के इस पड़ाव पे अगर आपने इनकी आंखों में जब खाना परोसते हुए देखेंगी तो आपको आशीर्वाद नजर आएगा, शुभकामनाएं नजर आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज 75वां आपका जन्मदिन मना रहे हैं, 175वां जन्मदिन भी आप यहाँ पे मनाएं और हम यहाँ पे हाजिर हो, ऐसी हम ईश्वर की कामना करेंगे। हमारे बीच में